बड़ी खबर आ रही है सूरत से। सूरत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। सूरत में सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है और इसके साथ ही चिड़ियाघर और पार्क भी आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, सूरत प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए शहर के 21 रूटों पर बस सेवा भी रोक दी है और इसके साथ ही सभी ट्यूशन क्लास भी एक हफ्ते के लिए बंद रखने को कहा गया है। हमारे सहयोगी जनक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, और क्या अपडेट? काफी बड़ा कदम। बिल्कुल, देखिए नगर निगम बेहद अब सख्त कदम उठाने जा रहा है क्योंकि सूरत में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल भी 263 जितने मामले सामने आए थे, एक समय पर रात्रि केवल 35-40 मामले सामने आ रहे थे 15-20 दिन पहले। अब अचानक से 263 जितने मामले सामने आ रहे हैं, उसमें भी लंदन और अफ्रीका स्ट्रेन जब पाया गया तो उसके चलते चिंता नगर निगम की लगातार संक्रमण बढ़ने के चलते सख्त कदम उठाने जरूरी थे। स्कूल्स जो चालू थे वहां पर सर्विलेंस और टेस्टिंग किए जा रहे थे, तो कल भी 31 जितने छात्र पाए गए थे। उसके बाद नगर निगम ने देर रात को ये नोटिफिकेशन जारी किया कि शहर के तमाम स्कूल जो ऑफलाइन बुलाए गए थे, जो बच्चों को स्कूल बुलाया गया था, वो सारे स्कूल बंद रहेंगे। जो भी पढ़ाई है केवल ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके अलावा ट्यूशन क्लासेस भी बंद करने के आदेश दिए हैं एक हफ्ते तक। उसके साथ साथ जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो। उसके अलावा बाग बगीचे और चिड़ियाघर जैसे सार्वजनिक जगह होती है जहां पर अमूमन भीड़ देखी जाती है, उनको भी बंद करने के आदेश दिए हैं। और शहर की जो 21 जितने रूट है, जो रामदेर और जो इलाके जो क्लस्टर जोन में जिनको तब्दील किया गया है, वहां पर जो नगर सेवा की जो बस सेवा है उसको भी बंद करने का, फौरन बंद करने का नगर निगम ने फैसला लिया है।